शिमला में आज खेली जा रही है होली। आज वो जश्न है जो बंगाली महिलाएं पूरे जोर शोर से मनाती हैं। विजयदशमी के पर्व पर ही इस होली का होता है आयोजन, क्योंकि नवरात्रि के बाद विजयदशमी के पर्व पर होनी होती है माँ दुर्गा की विदाई। पूरे देश में आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जा रहा है। तो वहीं शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में भी वर्षों से मनाए जा रहे दुर्गा उत्सव पर बंगाली महिलाएं माँ दुर्गा की विदाई के मौके पर आज एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। तो वहीं माँ का प्रसाद एक दूसरे को खिलाकर बहुत ही उत्साहित भी हो रही हैं। इस मौके पर बंगाली महिलाओं ने माता का श्रृंगार किया और परिवार के सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। माता की विदाई एक तरफ तो खुशी की बात है कि वो अपने पति के घर कैलाश जा रही हैं, दूसरी हम माता को इस वक्त बेटी के रूप में देखते हैं। तो जैसे बेटी घर से विदा होती है मन भर जाता है, वैसे ही हाल हमारा भी है। तो उस तरीके से खुशी भी है और एक तरफ फिर दोबारा आने की आशा से कि फिर आएंगी, हम उनको आज विदा कर रहे हैं। तो कहीं कहीं मन भारी भी है, तो इसी तरह से हम मनाते हैं। ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पर्व है। हम लोग जो ये तो यहाँ पर पूजा तो 200 साल से हो रही है, पर बहुत आदि काल से जब से हमारे पूर्वज रहे उनके लोग कर रहे हैं। दुर्गा पूजा हम मनाते हैं विजयदशमी वाला दिन, आज लास्ट दिन है हमारा। माँ का विसर्जन करेंगे हम और माँ को हम विसर्जन करने के लिए जाएंगे। माँ को सिंदूर लगाएंगे, फिर हम सारी महिलाएं जितनी भी है सिंदूर से होली खेलेंगे, फिर माँ का विसर्जन करेंगे। हाँ जी हाँ जी, हम षष्ठी से हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है। षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, चार दिन हमारा पूरा यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पे सारी लेडीज अभी माँ को वरन करके अब सिंदूर की होली खेल रही हैं, उनको आरती करेंगी, पूजा करेंगी, फिर दुर्गा माँ को ले जाया जाएगा विसर्जन के लिए। अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो उनकी अधूरी इच्छाएं होती हैं वो माँ से मांगते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जो दूर दूर जो लड़कियां बाहर गई होती हैं वो अपने माँ से मिलती हैं, जो बहुएं होती हैं वो दुर्गा माँ का वरन करती हैं, सुहागरें सिंदूर खेलती हैं और कुंवारी लड़कियों को हम सिंदूर लगाते हैं कि उनकी जल्दी शादी हो जाए। शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में नवरात्रों के दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग के साथ देश विदेश के श्रद्धालु भी आते हैं। मंदिर में सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। ये मंदिर अंग्रेजों के समय का मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से जो प्रार्थना करता है उसकी वह मनोकामना पूरी होती है।